गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। सुजानपुर में सीसीटीवी ने पकड़ लिया चोर, मोबाइल लेकर हुआ था 9-2-11। सालों बाद खुली लव सब्जी मंडी, किसानों में खुशी की लहर। 4.5 माह से योग और स्वच्छता की अलख जगा रहा ये युवा। यदि मान लेंगे ये बातें तो कम हो जाएंगे सड़क हादसे। शाहतलाई में लगे हिमाचली शहीद विवेक कुमार अमर रहे के नारे। और अब खबरें विस्तार से। घर मकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान में सीसीटीवी किस तरह से आपकी सुरक्षा कर सकता है, इसका एक ताज़ा उदाहरण सुजानपुर में देखने को मिला है। मामला सुजानपुर के एक मोबाइल की दुकान का है, जहां शुक्रवार को एक युवक सेकेंड हैंड मोबाइल लेने के बहाने दुकान में आया और दुकानदार को बातों में उलझाकर वहां से करीब 40,000 की कीमत वाला एक मोबाइल लेकर 9-2-11 हो गया। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने पूरी वीडियो मोबाइल पर लोड की और चोर, जिसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था, उसकी छानबीन की। मामला थाना सुजानपुर में पहुंचा और चोर के पास से चोरी किया गया मोबाइल प्राप्त हुआ है। दुकान के मालिक ने सुजानपुर पुलिस का धन्यवाद किया है। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि चोरी किया गया मोबाइल बरामद कर लिया गया है और चोर से पूछताछ की जा रही है। आरोपी युवक सुजानपुर के साथ लगती पंचायत का ही बताया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के अधीन प्रस्तावित सब्जी मंडी लव करीब 12-13 सालों उपरांत खुल गई है। प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड ने सब्जी मंडी के लिए बनाई गई 5 दुकानों में से एक दुकान सब्जी विक्रेता को अलॉट कर दी है। सब्जी विक्रेता द्वारा फल व सब्जी की बिक्री मंडी रेटों पर सस्ती दरों पर शुरू कर दी गई है, जिससे अब लोगों की उम्मीदें काफी बुलंद हुई हैं। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के किसानों सहित सब्जी उत्पादकों में खुशी की लहर है और लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे व विधायक अर्जुन सिंह का आभार प्रकट किया है। देखिए, ये एक बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी 8-10 सालों से जो है जो लंबी चला हुआ था, आज एक दुकान की जो है वो बोली होके यहाँ पे खुल गई है सब्जी मंडी। और जितने भी मेरे लोकल व्यापारी भाई हैं, सब्जी वाले हैं या कोई होटल रेस्टोरेंट वाले हैं जो ज़्यादा सामान उठाते हैं सब्जियों का, मेरा उन सभी से यही आग्रह है कि वो कम से कम सब्जी मंडी में आए और इनका सहयोग करें, रेट ट्राई करें। जसूर और पठानकोट के रेट पर यहाँ पर इनको सब्जी मंडी में जो है वो सब्जियाँ जो है उपलब्ध हो रही हैं। और अपने हमारे नगर पंचायत ज्वाली के वार्ड नंबर 4 में ये सब्जी मंडी मिनी सेक्ट्रेट में जो खुली है, और इनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और बाकी की शॉप्स जो है वो भी खुलेंगी और यहाँ मराउंड की भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन का एक युवा हाथों में झंडा लिए पूरे देश में योग, स्वच्छता और पर्यावरण की अलख जगा रहा है। ये युवा करीब 4.5 माह पहले मध्य प्रदेश से सभी राज्यों की यात्रा करने का लक्ष्य लेकर निकला था और साइकिल पर सवार होकर अब तक 4 प्रदेशों की यात्रा पूरी कर चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के बाद हिमाचल पहुंचे मुकेश सेन अपनी यात्रा के दौरान बिलासपुर के मंदिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण पहुँचे और वहाँ उन्होंने मंदिर के पुजारी से मंदिर के इतिहास के बारे में जाना। 29 वर्षीय मुकेश सेन का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से वह देश के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को योग से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी योग से ही नया जीवन मिला है। मेरा नाम मुकेश सेन है और हमने पिछले 4.5 महीने से भारत योग यात्रा निकाली है, जिसका उद्देश्य और लक्ष्य है निरामयम भारत अभियान। हमारा देश सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध बने, इस अभियान के तहत हम देश के युवाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को योग से जोड़ने का अभियान है ये, और पूरे देश को योग से जोड़ना है और विश्व शांति और राष्ट्र की समृद्धि के लिए योग जरूरी है। पूरे भारतवर्ष का लक्ष्य है ये, हर राज्य में हम जाएंगे। अभी 5 राज्य हो चुके हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम ये अभी जाएंगे कश्मीर, कश्मीर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात, उधर केरल होते हुए कन्याकुमारी। यातायात पुलिस राजगढ़ द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत न्यू बस स्टैंड के समीप वाहन चालकों को वाहन अधिनियम के बारे में जागरूक किया गया।
ट्रैफिक पुलिस प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने वाहन चालकों को नए वाहन अधिनियम की अलग अलग धाराओं व उसके जुर्माने के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन बिना हेलमेट व चार पहिया वाहन बिना बेल्ट के कभी न चलाएं। कार्यक्रम के दौरान ड्रग फ्री ऐप के बारे में भी जागरूक किया तथा कभी भी किसी भी प्रकार के नशे या शराब पीकर गाड़ी न चलाने की हिदायत दी। वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि ये हम सभी का कर्तव्य है कि वाहन नियमों की जानकारी ही नहीं बल्कि उनका पालन भी करें। यदि सभी नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। हमारा जो मेन फोकस जो ये लोगों को जागरूक करने का है, यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करने का है कि अपना वाहन चलाते भाई समय चाहे दो पहिया वाहन है उस पर हेलमेट का प्रयोग करें, चार पहिया वाहन है अपना सीट बेल्ट का प्रयोग करें और कोई भी व्यक्ति विशेष जो है नशे की हालत में अपना वाहन ना चलाए, क्योंकि जुर्माने की राशि भरकम हो चुकी है। एक आम आदमी के लिए ये राशि जो है राशि का भुगतान करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम सबको यही पंपलेंट के माध्यम से अपनी कविता के माध्यम से सबको जागरूक कर रहे हैं कि क्या यातायात का बखूबी से पालन करें। तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य को स्थानीय लोगों ने शाहतलाई चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चौक पर भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और वहां पर मोमबत्तियां जलाई गई। वहां पर CDS जनरल बिपिन रावत की तस्वीर रखी थी और लोगों ने उस पर फूल चढ़ाए। इसके अलावा CDS के ड्रेसिंगपुर से PSO विवेक कुमार अमर रहे के नारों से भी शाहतलाई बाजार गूंज उठा। तो आज के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, जरूर देखें 2 बजे आज दोपहर हिमाचल।